नाजिन अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो इमरान ख़ान साहब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जारी है अल्लाह का बड़ा ख़ास कर्म हुआ कि इमरान ख़ान की जान बच गई बल्कि कहें पाकिस्तान बच गया लेकिन मामला बंद गली में नहीं अब गली के कोने में जा फंसे हैं बहुत सी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं लेकिन लोग जानते नहीं ज़िम्मेदार कौन है ये वक्त नाम लेने का है इमरान खान ने चंद माह कबल बताया था कि चार लोग बंद दरवाज़ों के पीछे इसके कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा ये नवाज शरीफ ने क्यों कहा था आज ये सब पर वाजे हो चुका है सबको अब पता चल चुका है पिछली वीडियो में मैं नाम बता चुका हूँ हमलावर का जो अभी फौरी बयान भी आ चुका है दुनिया भर की अखबार मीडिया हाउसेज़ में एक ही खबर चल रही है पूरी दुनिया में इस वक्त वीडियोज़ का अंबार लग चुका है मुल्क भर में इस वक्त मुजाहरे शुरू हो चुके हैं लोगों ने पाँच मिनट के बाद ही कारोबार दुकानें सब बंद करना शुरू कर दिया और पेशावर कोर कमांडर हाउस के सामने पेशावर के गयूर आवाम का शदीद एहतजाज़ मैंने आपको पहले बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो इमरान के असली आशिक हैं लेकिन असल मामला क्या हैं क्या ये सब कुछ मार्शल आर्ट लगाने की तैयारी थी जो मुकम्मल हो चुकी है जो मैं आपको अलतवार से बताता रहा अब जब तक ये अपनी स्टिक वापस नहीं करते मैं तो नहीं मानता कि ये जा रहे हैं हाँ साहब में इस वक्त इमरान खान का जाते हुए जो बयान आया कि मेरी टांग में गोलियां लगी हैं अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूं आप लोगों ने इंतशार की तरफ नहीं जाना जिस शख्स को लोग फूल मारते हुए लोग एहतियात करते मैंने खुद देखा इसे लोगों ने गोली मार दी और वो भी एक नहीं तीन इमरान खान को देखें टांग पर गोली कैसे लगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फायर जो था वो नीचे से किया गया अब गोली टांग पर नहीं लग सकती इमरान खान कंटेनर पर खड़े होते हैं आपको पता है उसका एक हिस्सा जो होता है वो नीचे की पोजिशन से खड़े हुए बंदे को नजर आता है वो सामने का हिस्सा नाफ या ये नाफ़ के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ जबकि गोली जो टांग के आसपास लग रही है इसका मतलब ये जो नशेई टाइप इन्होंने बंदा पकड़ा हुआ है गोली असल में कहीं और से चली है और फिर इसके साथ देखें ब्रस्ट फायर की पूरी आवाज़ है इस फायरिंग से छः लोग जख्मी और कुछ शहीद भी जो हमलावर पकड़ा गया उसके हाथ में एक पस्तोल जिसमें से गैर एक फायर हुआ, अब ऑटो मशीन या ए के सेवन वाला जो हमला आवर था वो किधर गया क्या वो फरार हो गया मारा गया अब फिर इस नशई से इन्होंने फौरन जो एतराफ़े जुर्म करा के हर जगह फैला दिया अब देखें अरशद शरीफ जिस रात शहीद हुआ था उस रात भी यही वारदात की पहले उन्होंने खबर दबा ली फिर उसे हादसा बना लिया फिर उसे मिस्टेकन आइडेंटिटी बना दिया और फिर उसके बाद अगवा की कहानी बच्चा और मुख्तलिफ़ कहानियाँ गढ़ते रहे अब आप ये तस्वीरें तो चल रही आपने देखी होंगी पस्तौल की जो गोली है वो इस शीट को जो है वो पार नहीं कर सकती थी जो लगी हुई है अब जो वीडियो में आपको पता है इन्होंने बयान बताया ये पूरी प्लानिंग के साथ एक हमला था और हमलावर को इस कंटेनर की पूरी मालूम हासिल थी वो घात लगा कर पूरे तरीके से आया इसने हजूम को अपनी तरफ मुतव किया ये याद रखें क्योंकि जिस कोने के अब जिस बच्चे का इसका बयान चलाया गया है कि ये तो नीचे से फायर मार था इसका हमलावर तो कह रहे नाकाम हो गया जिसने कंटेनर के ऊपर फायरिंग की वो बंदा कहाँ है अब उसका क्योंकि ये तो ध्यान डाइवर्जन है ध्यान हटाने के लिए लॉन्च किया गया और मीडिया सिर्फ इसी बयान को क्यों डिस्कस कर रहा है क्यों इनके हमायतियों को ये वीडियो पहुंचाएगी लेकिन अलहमदिल्ला इमरान खान ने आज तो मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बच गया ये लोग कहते थे ना लीडर फ्रंट से लीड करता है पीछे नहीं हटता इमरान खान ने तो देखें दिलेरी बहादरी हिम्मत जो अन जितने लफ्ज़ डिक्शनरी में वो सारे ख़त्म कर दिए अब पाकिस्तान को आगे से जान यहाँ से मूव फॉरवर्ड को रोक नहीं सकता ये तरीके आ, हकीकी आज़ादी थी इसमें इमरान ख़ान के खून की जरूरत थी वो मिल गई है अब मेरे ख़्याल में जो क्यादत लंदन में है ना वो अब लंदन में ही रहेंगी वो वापस नहीं आ सकते ये मामला है क्या शहबाज शरीफ ने असल में हैंडलर्स को बता दिया था कि आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ इसमें इलेक्शन की तारीख को अनाउंस कर दूंगा मेरी जान छुड़ाएं ये सुनने की देर थी इन्होंने ये वारदात डाल दी और ये फैसला जो था कल शाम को हो चुका था मेरी वीडियोस देख लें इमरान खान को इस्लामाबाद नहीं आने देना असल लोगों तक पहुंचने से पहले इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस इन्होंने वीडियो लगा दी और उसमें वो सारी जिम्मेदारी ले रहे फिर ऊपर से मरियम साहिबा ने ट्वीट मार दी कि इमरान खान का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और वो फिर हिना परवेज़ बट वो भी कहती है टाइम ख़त्म शुद्ध न्याजी अच्छा ये वो है देखिए फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बता देती थी पंजाब असेंबली में क्या वारदात हो रही इन्होंने भी पहले क्यों क्योंकि पेट हल्का है इनकी वजह से बात टिकती नहीं पेट में फॉलोअर्स के चक्कर में ये सारे रास वरन ट्वीट करती हैं ख़बर में आगे निकलने हालांकि हालाँकि है नहीं असल मामला इससे ज़्यादा संगीन है इमरान खान पर देखें जो पूरा हमला था प्लान ये तैयार हो चुका तो एक बंदा पहले पकड़ा जा चुका है और उसका तलक हमारे साथ पड़ोसी मुल्क से था इस ख़बर को लॉन्ग मार्च से ज़्यादा नुकसान होना था सारे लोग डर जाते इसलिए ख़बर को दबा दिया गया इस खबर को खुद इमरान खान का इरादा था कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही वो लोगों के सामने ब्रेक करेंगे वो पहले भी बता चुके हैं अब इस प्लानिंग जिन्होंने की उनका नाम भी एक्सपोज करते ही लेकिन इस मुहिम को फिर इन्होंने इस हमले से जोड़कर इमरान खान को साइड पे करने का पक्का प्लान बना दिया और ये प्लान भी देखें आज का नहीं है इसकी भी जो प्लानिंग है वो बैरून मुल्क हुई है इसीलिए पूरी की पूरा खानदान वहां निकल के जा चुका है इसीलिए मुल्क से निकाला गया कि ये अमल दरामद मकामी हैंडलर्स ने पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर उन सबको पता है इनका जो खुरा जब आप ढूंढेंगे तो ये आपको पिंडी जाता हुआ नजर आएगा उनके कातलों की तरफ साफ इशारा है ये इजाज़त नाम आल बताए इन्हें लंदन से मिला है और ये किसी एक जमात या हैंडलर्स के कुछ लोगों का काम नहीं है ये पूरी तरह इनको एतमाद में ले कर हैंडलर्स के साथ किया कि इसके बाद क्या होगा क्योंकि ये नई वारदात नहीं है इन्होंने कायद अजम को नहीं छोड़ा फातमा जिना को नहीं छोड़ा भुटो को लटका दिया मुहतरमा बेनज़ीर के साथ किया गया ये इनके लिए कोई नया टास्क नहीं असाइनमेंट नहीं है इसीलिए लोग अपने कार्ड उठा के वहाँ पहुँचने जा रहे हैं जहाँ से वारदात तो शुरू हुई पिशावर में तो वो पहुँच गए हैं कि लोग कह रहे हैं हमारा लीडर अगर महफूज नहीं है तो हम कहाँ से महफूज़ हैं और आप लोग हमारे चौकीदार नहीं हैं अब ये जो हमलावर की तफसीला देखें हामिद मीर पहले इंग्लिश में ट्वीट करता है उसके बाद फिर खरीदा फारूकी लफ्ज बफ्ज उस ट्वीट का जैसे वाट्सऐपन को मैसेज आया आपने बोलना है एक भी सहाफी इस तरह के लफाफों का कोई मजम्मती बयान नहीं और आप देखें हमलावर की बात एक में इसके तीन झूठ एक मिनट में ये तीन बयान बदल के झूठ बोल चुका पहला कहता है जी वह डेक पे म्यूजिक लगा हुआ था अजान हो रही थी मुझसे रा शक्ल देखें इसी अल्लाह माफ करें दूसरा यह कहता है जी मेरा प्लान था अचानक बना फिर कहता नहीं मेरा प्लान सुबह सीधा और फिर कहता जब मैं लाहौर से निकला तब मैंने जेन में साजिश तैयार की अब इसकी सारी बात उसका बयान एक महीने में एक, एक मिनट में टूट रहा है लाहौर से मेरा मामू आया अजान हो रही है फैसला मैंने सुबह किया फिर मैंने शाम किया इसको कैसे पता था कि अजान के दौरान लाउड स्पीकर चलाएँगे वो और उसके लिए घर से वो तैयार होकर आया हुआ था ये इन्होंने एक और ब्लेंडर मारा है तारीखी बलंडर दुनिया के किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल केस में आप देखें बग़ैर तहकीक़ के इस तरह इतनी जल्दी वीडियो इतनी जल्दी थी इन्हें वो पंजाब पुलिस है इतनी जल्दी और ये वही पंजाब पुलिस है हुकूमत तो अभी आई है परवेज़ लाई की कि क्या होकात ने बदले इमरान खान पर जो हमला इसके एतराफ़ जुर्म की जो वीडियो उन्होंने लगाई अब बाजार तो वो अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है लेकिन साथ वो ये कह रहा है कि ये मेरा जाती इनफरादी फेल था अब यहाँ पर बहुत से सवाल पैदा होते हैं पहला तो देखें कि पुलिस की कस्टडी में एतराफ़ जुर्म पहले तो उसकी वैल्यू नहीं होती उसकी वीडियो की बनाएगी हालांकि तफ्तीश तो भी शुरू नहीं है ये बोल कौन रहा था कौन तफ्तीश कर रहा था और पंजाब पर इस वक्त पी टी आई की हमायत याफ्ता हुकूमत बराजमोल है लेकिन क्या वो पावर में है अब दूसरा ये कि हामिद मीर साहब के ट्विटर से क्यों ट्वीट करवाएगी सोचने की बात है ये जो वीडियोज हैं इनके सवाल के अगर मैं जवाब देना शुरू कर तो मज़ीद सवाल पैदा हो जाएगी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन वो जिसकी बात करते थे वो कौन है जो तफतीश के लिए इनफरादी अमल बनाने की ताकि ये नाम सारे छुप जाएँ अब एक नीम सियासी नीम मजहबी जमात है उसके भी एक सो कॉल तज्जिया निकार का उन्होंने बयान डाल दिया जी के अब देखें लेकिन हो क्या रहा है नून लीग की क्यादत बाकी पी डीएम की सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस वक्त वाकियात और शहादतों के जो लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपने बयान दिए हुए हैं और इसके साथ जो भी बंदा पकड़ा गया है मोहम्मद नवीद इसका नाम बाप का नाम पता नहीं बशीर है क्या बाप है भी कि नहीं उसने कहा जी ये एक डाइवर्जन थी मतलब हटाने के लिए थी असल ऑटोमेटिक इस्तेमाल हुई है उसके बाद इन्होंने फायर क्रैकर भी चलाया था कि लोगों ध्यान उधर बैठ जाए आप देखें वो वीडियोस लगी वो लड़के ने उसका नाम ने से नहीं। एक कंटेनर सिस्टम बनाई नहीं 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 है लेकिन वो कौन है जो इस हाई प्रोफाइल केस में हमलावर को थाने से उठाकर कर इब्तदाई स्क्रिप्ट जिसमें मैंने आपको मैंने उड़ा दिया इसके एक मिनट में बयान अदालत और ये अगर असली अदालत मेरे मतलब क्लियर कराने और तोते की कितना वो रटा हुआ है मतलब इतना इतना बड़ा वाक्य और बंदे के होश हम सुन के यहाँ अभी तक शौक़ में है। ये मामूली काम नहीं है बहुत बड़ी गेम है इसने किस तरह इसको रटा दिया उन्होंने बेनजीर से मिलता जुलता केस है उसमें भी दो लोग शामिल थे इसमें भी दो से ज़्यादा लोग शामिल हैं या वो निकलने में कामयाब हो गए या उनके पीछे कोई और था और ये जो मनसब मनसूबाबंदी इस पूरे हमले की की गई थी आप देखे फैसलवाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जरा रिपीट करके सुने मैं सुन रहा था कि हुकूमती मनसूबा साजी ने यह पहले वार्निंग दे दी कि हमारा कोई हाथ में इसमें हाथ नहीं है इन्हें फैसलवाडा को पकड़ना चाहिए पूछे उसे कि तुम्हें किसने बताया भाई तुम इतने बड़े बुजुर्जे मोहर तुम्हें सारी बातों का पता था क्या होना ऐसी फिर क्या मजबूरी आई कि फैसल नसीर जनरल मेजर जनरल नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग पर उसके ऊपर पूरा केस चल रहा था फिर उसे वहां से उठाकर प्रमोट किया गया और फिर आईएसआई के इंटरनल विंग का सरबरा भी लगा दिया गया क्यों क्या ये काम लेना था इतना बड़ा उससे देखिए बानिए पाकिस्तान काज मोहम्मद अली जिनाह पर बेलचा ग्रुप था वह खाकसार उस वक्त उसने भी चाकू की मदद से ये कोशिश की थी और इल्ज़ाम के आला खाली ये काफ्र आज़म है वह अंदाज़ा करें कि डैग अजान वाला मामला इतना आसान नहीं है लियात अली के जो कातिल था उसका क्या हुआ जरा पढ़े तारीख़ बेनज़ीर के कातलों का क्या बना जया से लेकर ओ जी कैम्प फिर हमूदरमान के मिशन डॉन लीगस महमुग ये सारे बार जो बड़े केसेज़ हैं इन पर कभी अस्सी बंदा नहीं पकड़ा गया आज तक लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है आप खान आपका वज़िर अजम भी है क्योंकि तकरीब में तामीर है हकीकी पाकिस्तान जिसमें मैंने कहा खून की ज़रूरत थी लीडर की पहले तो लोग ही हमेशा देते हैं अब हकीकी पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये जो मामलात हैं ये संगीन ना हों क्योंकि इसी पाकिस्तान पर इमरान खान ने भी हकूमत करनी है इसी पाकिस्तान में इन लोगों ने भी रहना है जाहिर है आना तो आए उन्होंने हुकूमत के लिए बार बार तो इसलिए अल्लाह करे कि हालात इस तरह के ना हो आम लोग भी बहुत सारे लोग उसको जुनूनी है खान की मोहब्बत में जिस तरह वो रो रहे थे और जो देख रहे थे पूरी दुनिया शौक में है खुदा की कसम पूरी दुनिया फोन भरे हुए मैसेजेस से लेकिन एक चाल इंसान की और एक चाल उसकी और आखिर कामयाब उसी की चाल है इसलिए अल्लाह ताला पे ईमान रखना चाहिए हम तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो आपको पता है मसले कोई नहीं फिक्र ही नहीं होती इन चीज़ों की अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे आप सब की भी हिफाजत करे पाकिस्तान की भी हिफाजत करे और हमें इन तमाम गंदगी से अल्लाह ताला महफूज़ रखे किसी साफ सुथरे रास्ते पर लेके जाए अपना खास ख्याल रखिए मुझे जहाजिए अल्लाह हाफिज